पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम। एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनक्लच स्प्रिंग्स। डे वन हम्पी में आपको कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए ये हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। इफ़ यू हैवन चेक द वीडियो, आप ऊपर लिंक में क्लिक कर सकते हो एंड चेक आउट व्हाट प्लेसेस यू शुड विजिट ऑन योर डे वन ऑफ हम्पी। डे टू आपको क्या करना चाहिए ये हम इस व्लॉग में देखेंगे। भगवान श्री राम का नाम लेके आप अपना दिन की शुरुआत कर सकते हो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित अंजनाद्री पर्वत से। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली हनुमान का जन्म इसी पर्वत पे हुआ था। हजारों साल की कड़ी तपस्या करने के बाद अंजनी को प्राप्त हुए थे हनुमान जी, इसीलिए उनको अंजनेय भी कहा जाता है। उनका जन्म इसी स्थल होने के कारण इस पर्वत को अंजनाद्री पर्वत कहा जाता है। बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों के बीच से आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, तकरीबन 600 स्टेप्स टू रीच द टॉप जहाँ पे मंदिर सिचुएटेड है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन नारों के गून से पूरा एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअल बन जाता है। यू कुड फील द एनर्जी इन द एयर सराउंडिंग यू। सात चिरंजीव में से एक है हनुमान जी और उनका प्रेजेंस आपको यहाँ पे महसूस होता है। द पॉजिटिविटी एट दिस सेक्रेट डेस्टिनेशन इज अनपैरेलेबल। पुत्र हनुमान की जय श्री राम। हम्पी के ट्रिप पे ये पवित्र स्थल विजिट करना आप बिल्कुल ना भूलें। तुंगभद्रा नदी हम्पी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट है जहाँ पे आप एंशियंट टेंपल्स विजिट कर सकते हो और दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं हिप्पी आइलैंड। यहाँ लंच करने के बाद आप निकल सकते हो टू इमर्ज योर सेल्फ इन टू एन यूनिक एक्सपीरियंस विच इज द कोरैकल राइड। आयकर, आयकर। किसमें बैठ गए तुम? टोकरी में, मैंगन की टोकरी में। कोरैकल एक यूनिक टाइप की बोट होती है जो हजारों सालों से लोगों को तुंगभद्रा रिवर क्रॉस करने के लिए यूज की गई है। ये बांबू और केन से बनाई जाती है और इसमें 8 से 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। राइड के दौरान यू कैन एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ रिवर बैंक्स, वॉच बर्ड्स सोरिंग ओवरहेड एंड इवन कैच ग्लिम्स ऑफ लोकल फिशरमैन एट वर्क। कोई नहीं देख रहा है तुमको। नहीं उधर बात कर। कोई नहीं देख रहा है तुमको। फिर से करो, फिर बाय। उनने किया था। इधर करो बाय, इधर इधर देखो बाय। हाँ इधर मिलेगा तुमको रिस्पॉन्स। बाय। जोर से। ए, इसमें कुछ पता चल थोड़ी चल रहा है तो पीछे को घूम रहा है सब। अश्विन
The gentle rocking motion of the coracle adds to the charm of the experience, making it feel like a journey back in time. देखो ऐसे राउंड ने राउंड को दूसरा तुम वो जंप कर सकते हो ऊपर से कोरेकल राइड के बाद आप क्लिफ जंपिंग भी एंजॉय कर सकते हो इसी लोकेशन पे। हम्पी का फेमस डिजर्ट बिनॉफी पायखाना ना भूले। उसके बाद आप सनापुर लेक का ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करके हम्पी का लोकल मार्केट अब घूम सकते हो और बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। हम्पी का सफ़र हमारा यही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे वापस पुणे की ओर। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to Unclutz Prints.